हाय, वेलकम टू रूट्स एंड चार्म्स। मैं हूँ श्रद्धा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जोडियक साइंस की सीरीज। तो राशि की सीरीज हम आज से स्टार्ट करेंगे और हमारी पहली राशि है एरीज। एरीज से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप मून साइन हो या असेंडेंट में हो, असेंडेंट यानी लग्न राशि आपकी हो, दोनों ही राशि में इसके सारे जो मैं आप ट्रेड्स बताने वाली हूँ वो मैच हो सकते हैं। सो 60-40 का कुछ कॉम्बिनेशन होता है असेंडेंट और मून साइन में। तो क्योंकि मून साइन होता है हमारा मन और असेंडेंट होती है हमारी पर्सनालिटी, तो जैसे भी आपसे मैच हो आप देख लीजिएगा। क्योंकि एरीज वाले मोस्टली इसी तरीके से होते हैं, आई मीन इसी प्रकार की उनकी क्वालिटीज होती हैं। सो एरीज साइन का राशि स्वामी होता है मंगल, मार्स, जो कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव प्लैनेट हम कहते हैं। तो किसी को भी अगर मंगल से रिलेटेड दोष हो तो हम बोलते हैं कि मंगल दोष है, तो इसकी शादी नहीं हो सकती या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके लाइफ में आने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मंगल की जो साइंस होती है स्कॉर्पियो और एरीज, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो काम वाली साइन आपको मिलेगी इन दो राशियों में वो एरीज ही है। सो स्कॉर्पियो तो इससे ज़्यादा ब्लास्ट होता है उनका, तो एरीज इज मच बेटर देन स्कॉर्पियो, आई कैन से दैट। तो स्कॉर्पियो वाले ऑफेंड ना हो, बट मार्स की ये जो दो साइन है उसमें सबसे जो अच्छी वाली साइन मानी जाती है वो एरीज को माना जाता है। क्योंकि एरीज बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बट स्टिल उनमें वो एक प्यार करने की एक क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड होते हैं, लोगों के लिए वो काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं, बट उनका गुस्सा बीच में आ जाता है। तो रिलेशंस ये बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, लॉयल्टी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, कंपैशन होता है, एम्बिशियस होते हैं लाइफ के लिए, बट इनका मेन प्रॉब्लम होता है इनका गुस्सा और जो मार्स की क्वालिटी है। ऑब्वियसली मार्स का जो एग्रेशन है, मार्स का जो रेडनेस है, जो फायरी नेचर है वो इनमें आ जाता है। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है उनका, अगर टेम्पर अगर वो कंट्रोल कर ले तो बाकी सब बहुत अच्छा हो जाता है। तो मार्स के लोग बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी होते हैं, तो मोस्टली आर्मी में या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, इसमें आपको मार्स से रिलेटेड लोग दिखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं। और वो इस तरीके से सेंसिटिव नहीं होते, लाइक हम देखते हैं कि हम अगर थोड़ा सा कहीं ब्लड दिख जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें बहुत लो फील होता है या फिर हम डर जाते हैं, बट ये लोग नहीं डरते। तो ये डॉक्टर्स, सर्जन्स बहुत ही अच्छे बन जाते हैं क्योंकि इनकी वो एक क्वालिटी होती है ना डरने वाली, करेज वाली, तो वो उनको बहुत आगे लेके जाती है। तो बहुत ही साहसी होते हैं ये और बहुत ही अच्छे से अपना जो काम है वो करते हैं। फ्रेंड्स भी इनके काफ़ी है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। बस इनका यही प्रॉब्लम होता है कि छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ये बहुत जल्दी लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, फाइटिंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये वैसे तो फाइटर ही होते हैं बट रियल लाइफ में भी फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं कई बार, तो उसके वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और फिर उनको इम्प्रिजनमेंट और लीगल इश्यूज़ में अटक जाना पड़ता है। तो ये उनको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ब्रेव होने के वजह से ये आर्मी रिलेटेड, पुलिस रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस हैं उसमें वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इनकी सबसे बिगेस्ट वीकनेस तो इनका एंगर ही है, और प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंगर, कि लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा है, या फिर कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको हो जाती है क्योंकि वो स्ट्रेट माइंडेड नहीं थिंक कर पाते जब एंगर ओवरपावर हो जाता है इन पे। तो उस गुस्से की वजह से एरोगेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है इनमें बहुत ज़्यादा, बट
वो उतना ही अगर उनको प्यार से कोई समझा दे, अगर कोई अगर प्यार करने वाला इनको मिल जाए तो वो कंट्रोल भी कर लेते हैं. एरीज फर्स्ट साइन है तो इसको हम बहुत ही चाइल्डिश साइन समझते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट साइन है तो ज़्यादा मेच्योरिटी इसमें नहीं है, ऐसा देखा गया है ऐसा बोला जाता है ज्योतिष लैंग्वेज में. तो इस तरीके से होते हैं एरीज, और ये बहुत अच्छे इंजीनियर्स, जिम ट्रेनर्स बन सकते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी एनर्जी होती है कि समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. तो इनको एनर्जी कंट्रोल करने के लिए इनको जिमिंग या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी में हमेशा इंडल्ज होना चाहिए, जहाँ से इनकी एनर्जी यूज हो जाए और ये सारे प्रॉब्लम्स ना हों. समटाइम्स ये काम स्टार्ट कर देते हैं बट वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में कहीं इनका वो ईगो, कहीं एरोगेंस आ जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना. तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में और जॉब में भी रिफ्लेक्ट कर देती है. तो फिर टीम वर्क जहाँ पे भी होता है वहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. दो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, तो अगर कोई भी जॉब हो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो तो वो वाला जॉब ये बहुत अच्छा कर सकते हैं. और एक बार ये अच्छे लीडर बन जाए तो टीम को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, और इवन पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. किसी भी ऊंची पोस्ट पे बहुत इजीली चले जाते हैं ये, क्योंकि ये होते ही है. लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बॉर्न जब होते हैं ये, तभी से इनमें ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं. बस ये थोड़ा सा टेम्पर और एंगर अपना कंट्रोल कर ले, ईगो को साइड में रख दे, तो वो बहुत ही अच्छे लीडर्स बन सकते हैं. तो ये सारी क्वालिटीज़ थी एरीज़ के बारे में, और एरीज़ के लिए एक ही एडवाइस होगी कि अपनी एनर्जी जिम में या फिर किसी एक्सरसाइज में वगैरह यूज़ कर ले. तो वो जो एंगर इशू इनमें होता है, क्योंकि मार्स से रिलेटेड है तो वो तो एंगर इश्यूज होने ही है, वो जा नहीं सकते इतने ईजीली. तो उसके लिए बस योगा वगैरह ऐसा कुछ अगर वो कर पाए तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. रेड कलर इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, बट वही रेड कलर उनका एंगर बढ़ाता भी है. तो अगर आपको रेड कलर सूट होता है तो आप डेफिनेटली वेयर कीजिए, और अगर उससे आप एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप मत यूज़ कीजिए. तो ये थोड़े इम्पेशेंट भी होते हैं, पेशेंस इनमें कम होते हैं, बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते हैं ये, बहुत ही जल्दी अपने रास्ते से भटक जाते हैं. तो ये एक चीज़ है जो जो एरीज ने डेफिनेटली देखनी चाहिए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट एरीज, और सेकेंड टोरस के साथ मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ. और इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रेजोनेट होती है, आप रिलेट कर पाते हो, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, और इंस्टा पे फॉलो कीजिए. देखिए, सारे ही एरीज के लोग सेम नहीं हो सकते, या फिर इसमें से कोई भी ऑफेंड करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सारी 12 की 12 जो राशियां हैं उसमें कोई ना कोई वीकनेसेस, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डेफिनेटली है. उनको वैसे नेचर ने ही बनाया है, इट जस्ट दैट हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम ट्राई कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए. तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा और इसको पॉजिटिवली लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हूँ अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ. तो तब तक के लिए टेक केयर.